लो साहब नाश्ता शुरू करो। क्या है नाश्ता? आई बेइज्जती करने बुलाया हमारे यहाँ पे? ऐसे हो नाश्ता? हमारे यहाँ आना कभी, काजू बादामों से प्लेटें भरी रहती हैं हमारे यहाँ। और फटे हुए रसगुल्ले का नाम सुना? दबा के चलवाता हूँ मैं अपने यहाँ नाश्ते में। चल भी चल, रिश्ता कैंसिल ये वाला हम ना कर रहे। सबके सामने पिटेगा अच्छा लगेगा, तू बैठा रहे। और तुम लड़की बुलाओ यार। भूरी बेटा बाहर आओ। अबे कितनी खूबसूरत है यार, इस सड़ौवे की होगी इससे शादी? ये सिर्फ मेरे लिए बनी है यार, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। समीर की दुल्हन बनेगी ये। पापा लड़की पसंद है मुझे। लो जी लो, हमारे लल्लू को पसंद है तो हमें ही पसंद है, रिश्ता मंजूर। अरे चूतिया हो क्या, एक मिनट में रिश्ता मंजूर कर दिया? गुड्डे गुड़िया का खेल ना है, शादी हो रही है। दोनों बाप बेटे पीछे जाके मशवरा करो पहले, फिर जवाब देना। जाओ। सही कह रही यार लल्ला। देखो जी भाई साहब, मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, इनके घर में अपनी लड़की मत दो। अबे बहुत ही सुअरों का खानदान है, पता है ये चोरों चक्के हैं साले। लड़का कुछ नहीं करता, बाप कुछ नहीं करता। बाप तो इतना सुअर है, तुम्हारी लौंडिया कोई कप्पेल देगा पता भी ना चलेगी। और सुनो, मेरे भट्टे पर लड़का काम करता है, मेरा खुद का भट्टा, अपनी लड़की के साथ ही मुझसे कराओ। तुझसे? हाँ हाँ मुझसे यार, भट्टे का मालिक हूँ मैं, मालदार पार्टी हूँ। और इन बहन खड़ों से कराओगे यार? रिश्ता मंजूर है जी हमें। देखो भाई साहब, रिश्ता तुम्हें मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है। हमें सच का सब पता चल गया। सच का पता? हाँ, लेकिन इन भाई सबको कुछ मत कहियो, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इन्होंने। भूतनी के नाम तो ले दिया। अबे भाई साहब, किसी के यहाँ रिश्ता देखने जाते हैं, गाड़ी तो खुद की खरीद लो। तुम्हारा लोंडा कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते, हम ना करेंगे तुम्हारे घर में रिश्ता। चुप भोसड़ी के, तू इसके चलाए मारिया। और ये तेरा यार है जो हमारे खिलाफ भड़का दिया। और तुम्हें पूरी बात का पता, जिस भट्टे पे ये काम कर रहा है उस पे हमारा लोंडा काम कर रहा है। और हमारे लोंडे के नाम में ना 8 बीघे जमीन आ रही है, और इसके पास तो कुछ भी ना। अब हम ना कर रहे ये रिश्ता। अरे सुनो तो भाई साहब, गलती। अरे हटा जानू, सुन तो लो डैड क्या कह रहे हैं। देखियो पापा, इतने अच्छे घर की लड़की मुझे जानू कह रही है, मैं तो इससे शादी करूंगा। चलो ठीक है, हमारे लड़के को अब भी रिश्ता मंजूर है। अबे ये तो फिर पक्का हो गया। लेन देन की तो बात कर लो पहले, क्या देंगे दहेज में ये? चलो ठीक है। लेन देन की बात ही क्या, लड़के को दहेज में अपाचे देंगे? ना जी ना, बिलैरों से नीचे हाथ ना रखूंगा, लड़के के नाम में 8 बीघे जमीन है। ना भाई साहब, हम कान ना देंगे, हम तो अपाचे ही गाड़ी देंगे। लो हो गया रिश्ता कैंसिल, चलो आप घर को। सुन तो लो जानू। हर बार में जानू ही कहती रहेगी दहेज न लूं। देख लो सुसर जी, मैं अपाचे में राजी हो जाऊंगा, बताओ। चल बोसड़ी के निकल आते।